संगीत के क्षेत्र की बात करें या फिर राजनीति के क्षेत्र की, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं कि हर कोई चाहता है कि उनके साथ में बस एक फोटो हो जाए। अगर कल तक आप भी ऐसा सोच रहे थे तो आज आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर के आई हूँ जहाँ पर एक साथ आपको सारे लोग मिल जाएंगे। तो साथ क्योंकि फ्रांस की कलाकार थी और उनको अपने घर में मूर्तियों को बनाने का बहुत शौक था, पर उनको क्या पता था कि उनके इस शौक के बाद में मैडम तुसाद का इतना बड़ा म्यूजियम आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और लोग उसके बाद तो लोग देखने के लिए लोग लंदन जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जो उनके ब्रांचेस हैं वो जाते हैं, और मैडम तुसाद के म्यूजियम में अलग अलग जगहों पर जाकर के जो वैक्स बात ये है कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहला मैडम तुसाद का जो म्यूजियम है वो आ चुका है, जहां पर एक साथ आपको इतने सारे लोग मिलेंगे कि एक बार सोचना मुश्किल है। साबिया मेरे साथ में होंगी इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि ये ब्रीफ बहुत अच्छा करेंगी। साबिया कुछ बताएंगी हमें यहाँ के बारे में। सबसे पहले तो बताइए कि ये इंडिया के लिए पहला मौका होगा, कितना खास आपको लगता है कि ये चांस होने वाला है? ये बहुत खास है हमारे लिए, मैडम टुसॉड्स, इंडिया को अपना मैडम टुसॉड्स मिल रहा है। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड भी देखें तो बहुत ज्यादा हाई नंबर्स में इंडियंस जाते हैं मैडम टुसॉड्स, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो थाईलैंड हो या न्यूयॉर्क हो। और अब इतने साल के बाद बॉलीवुड ग्लोबली इतना पॉपुलर है, हमारे लीडर्स इतने पॉपुलर है, और अब हमें अपना मैडम टुसॉड्स इंडिया में मिला है, तो आई थिंक ये बहुत ही खुशी का मौका है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि सब लोग आके देखें। जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, या जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनके साथ एक सेल्फी लोग जरूर खिंचवाते हैं, क्योंकि हम शुरुआत करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। हालांकि गुजरात दौरे में वो व्यस्त हैं, लेकिन मैडम तुसाद के इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं कि इनका वो स्टैचू, वो वैक्स फिगर लग चुका है जो कि लंदन में भी है। लंदन में भी है, बहुत ही पॉपुलर है लंदन में भी, और इंडिया में ऑब्वियसली सब बहुत वेट कर रहे थे मोदी जी का फिगर देखने के लिए। इसके लिए हमने जो फिगर मेकिंग सेक्शन है उसमें पूरा एक वीडियो भी बनाया है कि लोग देख सके कैसे मोदी जी की फिगर बनी थी। पूरे फ्लोर को दो सेक्शन में बांटा गया है, लेकिन अभी आप जहां पर में हैं, यहां पर मैंने जैसा बताया था राजनीति के जितने जो धुरंधर है या फिर वो लोग जिन्होंने इतिहास में जिनके नाम दर्ज हैं और देश को कि जो फ्रीडम फाइटर से खास करके वो लोग जो जिनके नाम है देश को आजाद कराने में, जैसे कि देखिए बापू की बहुत अच्छी तस्वीर लगी हुई है और उनकी वो घड़ी जो उनके साथ हमेशा हुआ करती थी, वो घड़ी भी आप इसमें देख पा रहे होंगी, बिल्कुल रियल फिगर, ये भगत सिंह का वैक्स फिगर है। तो उन सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई, देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी वैक्स फिगर यहां पर लगाया गया है, आप देख रहे होंगे, जो हमारे देश के लिए एक मिसाल है, चाहे वो मिसाइल मैन हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, वो सारे लोग आपको एक साथ में यहां पर नजर आ रहे हैं। और कुछ और नाम जिनके बिना ये पूरा फ्लोर अधूरा रहता। देखिए सुभाष चंद्र बोस और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बहुत अच्छे से साहब आप एक मिनट मुझे बताएंगे यहाँ पर मैं कि ये यहाँ पर ये क्या दिखाने की कोशिश की गई, ये दोनों को एक साथ जो दिखाया गया है। ये 1938 में एक मीटिंग में थे, ये वहां से उठाया गया है, दोनों साथ में इस सेरेमनी या मीटिंग में थे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं का ये पोर्ट्रेयल है। और हम लोगों ने डिटेल का ध्यान रखा है, जिस तरह की स्टेशनरी या जिस तरह की टेबल क्लॉक आप देख रहे होंगे, जिस तरह की उस समय चीजें इस्तेमाल करी जाती थी, एग्जैक्टली वो ही हमने यहाँ पे पूरा सेटअप करने की कोशिश की है। रियल में तो लोगों का सपना ही होता, बहुत सारे लोग हैं जो लंदन नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट है लोगों के लिए। बिल्कुल, माइकल जैक्सन की बहुत फैन फॉलोइंग है, आज भी वो बहुत चाहता है, सब लोग उनके साथ यहाँ पे आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, पोज करते हैं। तो ये माइकल जैक्सन देखिए जो उनका वैक्स फिगर है, और जो स्टेज स्टेज पर जब वो उतरते थे तो उनके उनका चाहे उनका जैकेट हो या फिर उनका स्टाइल हो, उनका हेयर स्टाइल हो, उन सारे चीजों को यहाँ पर कॉपी किया गया है। हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये था कि यहाँ पे जो भी आए, चाहे वो यंगर जनरेशन हो, आज से 15 से 20 साल के बच्चे या फैमिलीज आए या बड़े आए, सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिले, यू नो, हर जॉनर का, इसलिए म्यूजिक, हिस्ट्री सब रखा गया है, और हर किसी में
हर एरा से लोग हमने रखे हैं, जैसे कि अब माइकल जैक्सन ने म्यूजिक में हिस्ट्री क्रिएट करी है, मैडोना वॉज वेरी पॉपुलर इन द 80s, आगे जाएंगे तो आप और ज्यादा नए पॉप स्टार्स भी देखेंगे। मैं जब इस पूरी म्यूजियम के बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने सोनू निगम का वैक्स फिगर देखा था और एक बार तो मुझे भी धोखा हो गया था क्योंकि ये इतना रियल लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक एक बातों एक एक जो बात है वो उनका ख्याल रखा गया है। और जो यहाँ पर थीम है उनका बहुत ही फेमस सॉन्ग है बिजुरिया बिजुरिया, उस थीम को यहाँ पर सोनू निगम के वैक्स फिगर के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इस पूरे सेक्शन में कौन कौन से लोग हैं सोनू निगम के अलावा? सोनू निगम, जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, बियॉन्से, जाकिर हुसैन एंड आशा भोसले एंड लेडी गागा। और यहाँ पे हमने और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, जैसे आप सोनू निगम की फिगर देखेंगे तो विजिटर्स एक्चुअली ढोल के पीछे जाके ढोल बजा सकते हैं, वहाँ पे भांगड़ा स्टिक्स हैं वो क्लिक कर उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ग्रैंड फोटो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लोग पूरे से फिगर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो फिगर्स हैं उनकी चर्चा तो थी लेकिन एक फिगर जो ज्यादा जहाँ पर नजरें आकर के आपकी टिक जाती हैं, जी हाँ, जाकिर हुसैन साहब तबला वादक, या फिर आप मानिए कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े धुरंधर हुजूर, तो देखिए उसी अंदाज में जाकिर हुसैन साहब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आशा भोसले जी संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी कलाकार हैं, इनका वैक्स फिगर यहाँ पर लगाया हुआ। साहब कुछ बताइए और हमें यहाँ के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे म्यूजिकल आइकॉन्स हैं जाकिर हुसैन एंड आशा भोसले जी, मतलब इंडिया में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है म्यूजिक के साथ। तो यहाँ पे हम जो लोग बहुत ज्यादा म्यूजिक के फैंस हैं उनको ये एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि कैसा लगेगा अगर आप जाकिर हुसैन जी के साथ में बैठेंगे जब वो तबला बजाएंगे या आशा भोसले जी के साथ माइक शेयर करेंगे। और हमारे इंटरनेशनल पॉप स्टार्स भी अब बहुत पॉपुलर है, इंडिया में वेस्टर्न म्यूजिक भी पॉपुलर होने लगा है, तो इसलिए हम लोगों ने लेडी गागा, बियॉन्से, जस्टिन बीबर एंड जेनिफर लोपेज के फिगर लगाए हैं। इनके फैंस बहुत है इंडिया में, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं लोग जी, बहुत ज्यादा। और इन्हीं की पॉपुलैरिटी और हम जो भी फिगर्स बनाते हैं या यहाँ पे रखते हैं वो एक कंज्यूमर रिसर्च के बाद बनती है। इससे पहले कि हमने मैडम टुसॉड्स की फिगर्स इंडिया के लिए बनानी शुरू करी थी, 2 साल तक हमने रिसर्च करी थी कि इंडियंस के कौन से फेवरेट स्टार्स हैं, उसकी उस सब समझने के बाद ही इंडिया के लिए फिगर्स क्रिएट करी गई थी। वेरी इंटरेस्टिंग की जो जानकारी हमारी कि एक वैक्स फिगर पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसा अगर आप सारे एलिमेंट्स बनाएं तो तकरीबन, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च भी इन्वॉल्व है, 20 से 30 लोगों की टीम लगती है, 6 महीने का वक्त लगता है, और अगर जो बहुत डायनेमिक पोज हो उनको 6 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक फिगर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को, वो भी उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कि लेडी गागा है तो उनको लोग किस तरीके से देखना चाहेंगे और आशा भोसले है तो उनके हाथ में लोग माइक जरूर देखना चाहेंगे, उनकी आइकॉनिक सफेद साड़ी विद ग्लिटर्स और जो उनका ब्रेसलेट है आप देखेंगे ये पर्ल ब्रेसलेट उनका बहुत पॉपुलर है, वो हर कॉन्सर्ट में पहनती हैं। अगर आप जस्टिन बीबर की फिगर देखें, ये हमारी यहाँ की सबसे पॉपुलर फिगर है इन यंग गर्ल्स एंड यंग किड्स। इनके जो जब आप इंडिया आए थे जस्टिन बीबर, याद है आपको कितना धमाका हुआ था? जी बिल्कुल। और अभी ये बहुत ही पॉपुलर फिगर है और अगर आप सारी डिटेलिंग देखेंगे जो टैटूज बनाए गए हैं ये एक्चुअल में उनके रियल टैटूज हैं जो टीम ने बैठ के डिटेल में बनाए हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है साबिया, मैं तो देख करके समझ पा रही हूँ क्योंकि देखिए मैं बहुत छोटी सी बारीकी मैंने देखी और भी जो फिगर्स हैं उनकी आंखें देखी, जो आंखों का जो कलर होता है उसको मैच कराना जी, ये कितना बड़ा चैलेंज, छोटी छोटी बारीकियों को मैच कराना कितना बड़ा चैलेंज होता है। जब हम किसी भी सेलिब्रिटी की सिटिंग करते हैं हम पूरा का पूरा बंदोबस्त करके जाते हैं, बहुत सारे आई पैनल्स और आई कलर्स लेके जाते हैं, उनकी आईज के साथ कलर्स मैच किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जो टीथ हैं या उनके लिप्स हैं उसका कलर और आकार भी मैच किया जाता है विद द रियल सेलिब्रिटी। इन सब डिटेलिंग के बाद ही लेडी गागा का ये अवतार तो मुझे लगता है कि लोग मतलब बहुत ज्यादा चर्चा होंगी उनके इस रूप की, उनके अवतार। लेडी गागा इज नोन टू बी वेरी एवंगार्ड इन फैशन, वो एक बहुत ही अलग तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं, शी इज वेरी हाई फैशन, तो यही उनका आकार हमने दिखाने की कोशिश करी है, मतलब उनका हेड गेयर हो चाहे उनका कॉस्ट्यूम हो बहुत ही ग्लैमरस है वो।
यहाँ से हम किस सेक्शन में जाएंगे? यहाँ से हम जाएंगे ए लिस्ट पार्टी एरिया, दैट इज पार्टी एरिया है जिसमें आपको इंडिया और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज दिखेंगे इन अ पार्टी एनवायरमेंट। आइए साबिया, जिस पार्टी एरिया के बारे में बात कर रही थी वहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन उस एंट्री से पहले ही हमारी नजर गई एक ऐसी मीठी आवाज पे, जो मीठी आवाज फिल्मी दुनिया में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम इन्होंने कर लिया बहुत कम टाइम में। ये नाम है श्रेया घोषाल का, और जो जिनका वैक्स फिगर हमारे सामने है बहुत ही प्यारा, एक येलो सूट, और आप देखिए श्रेया घोषाल सेम टू सेम सेम टू सेम आप ही का स्वागत कर रही हैं मैडम टुसॉर्ड्स में। ये पूरा पार्टी एरिया है, तो शुरुआत मुझे लगता है कि एक ऐसे नाम से करना चाहिए जो बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन है, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, मुझे लगता है आज के पूरे जेनरेशन में या आज इंडिया में इनसे ज्यादा पॉपुलर या लव्ड शायद ही कोई होगा, प्योरली बिकॉज शी इज सो ब्यूटिफुल। एंड आप इनका पोज देखेंगे तो बहुत ही इंडियनाइज पोज में है और इंडियन क्लोदिंग में है। एक्चुअली हम पूरी अट्रैक्शन के अंदर इंटरनेशनल स्टार्स के होने के बावजूद भी एक इंडियन टच देना चाहते हैं। कोई रेड कार्पेट लुक में है, कईयों के हाथ में प्रॉप्स हैं, कई सेलिब्रिटीज के साथ में हमने प्रॉप्स रखे हैं कि आप वो प्रॉप्स यूज करके पिक्चर्स खींच सकते हैं। बिल्कुल रियल वैक्स फिगर है इनका, बहुत रियल है। बहुत बारी ऐसा होता है कि वहां से लोग अंदर आते हैं तो दो मिनट के लिए दंग रह जाते हैं कि विल स्मिथ जी खुद ही तो नहीं बैठे हैं, बट या इट्स वेरी वेरी रियल। टाइम एंड अगेन सेलिब्रिटीज आते रहते हैं अपनी फिगर्स देखने के लिए। टीम का यहाँ पर ध्यान रखा गया, मुझे इस वैक्स फिगर को देख करके तो ये लगा जो रेड कार्पेट एक पार्टी, ये बिल्कुल पार्टी एनवायरमेंट क्रिएट किया गया। आप एक्चुअली ग्लास उठा के निकोल किडमैन के साथ पोज करके पिक्चर खिंचा सकते हैं, तो हम यही फीलिंग देना चाहते हैं कि आप सारे सितारों के बीच में ही पार्टी कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित अगेन वेरी वेल लव्ड, हमें नहीं पता लोग किसको ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि सभी की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। सब आई मीन माधुरी दीक्षित जी के करोड़ों फैंस हैं। मुझे बताएंगे क्योंकि ये ग्रीन साड़ी तो एक तरीके से हमने कई फिल्म में एक थीम के तौर पे ये ग्रीन साड़ी बन गई, फिल्म के तौर पे भी देखी है, और ये इनका जो है 2015 से इनकी ये लुक उठाई गई है। 2015 में शी हैड अपियर्ड लाइक दिस, और वहां से सो जितनी भी आप फिगर्स देखेंगी उनकी एक डेट ऑफ पोर्ट्रेयल होती है कि ये कौन से टाइम से कौन से साल से उठाई गई है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, ये स्टाइल कई बार स्टेज पे हमें देखने को मिलता है, जो उनकी एक स्टाइल है, जो इनका स्टाइल है, टॉल है, ब्रॉड है, और उनकी रिंग है तो बहुत ही क्रिस्प बहुत ही शार्प लुक दिया है हमने, जिस तरह से आपको वो हमेशा दिखेंगे। अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो इस पूरे म्यूजियम में ये हिस्सा आपके लिए सबसे अट्रैक्शन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान आपके साथ होंगी और उनको जो एक लुक दिया गया है, जो स्टाइल दिया गया है साबिया, ये जो रिक्शे की थीम दी गई है इसकी क्या वजह है? ये पवन कुमार चतुर्वेदी हैं बजरंगी भाईजान से। आप रिक्शा पे बैठ सकते हैं उनके साथ, आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा कि वो रिक्शा चला रहे हैं, पर हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप रिक्शा के उनके पीछे बैठ सकते हैं। बड़ी खास बात यहाँ पर साबिया ने मुझे बताई है कि अगर आप इस म्यूजियम में आ रहे हैं तो यहाँ पर केवल आप, ऐसा नहीं है कि आपने देखा और आप चले गए यहाँ से, इवन आप टच कर सकते हैं, आप इस रिक्शे पर बैठ सकते हैं, और जैसा कि बजरंगी भाईजान की बात साबिया ने बताई है उसकी एक फील दी गई है। ये जो जैकेट है और इनका जो ब्रेसलेट है सलमान खान का उनके हाथ में जो होता है, जी ये बिल्कुल उनका आइकॉनिक है, आपने उनको बिना इस ब्रेसलेट के कभी देखा नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं देख सकते थे बिना ब्रेसलेट। लेकिन लुक जो है सलमान का वो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा पहले के लुक को कॉपी किया गया है। बजरंगी भाईजान का जो फर्स्ट हाफ है जब वो पवन कुमार चतुर्वेदी थे जब तक की, तो ये एग्जैक्टली वही लुक है, बिल्कुल बजरंगी भाईजान से ही इनका पोस्चर लिया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत घंटी बजती भी है, ये रिक्शा केवल दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टॉम क्रूज, आप जैकेट पहन के एविएटर लगा के इनके पीछे बाइक पे बैठे हैं, ये उनका बहुत ही आइकॉनिक पॉपुलर पोज है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैकेट दिए गए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ये जैकेट पहनिए, सनग्लासेस लगाइए और टॉम क्रूज के पीछे बैठिए बाइक पे। अच्छा साबिया, मुझे ये बताइए कि इन चीजों की सिक्योरिटी पर, मतलब कहते हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे टच करके देखेंगे, इसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए हमारा बहुत टिपिकली ये एक एजेंडा है कि हम म्यूजियम नहीं है, हम एक अट्रैक्शन है, हम चाहते हैं लोग पूरा फिगर्स के साथ इंटरैक्ट करें, एक एंटरटेनमेंट पर्पज से ये अट्रैक्शन बनाया गया है।
हमारे पास इन हाउस स्टूडियो टीम है जिसके अंदर स्कल्टर्स और हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप स्पेशलिस्ट हैं जो रोज फिगर को 2-3 बारी टचअप करते हैं अगर जरूरत हो तो। खूबसूरती की मलिका कहें मधुबाला को, बहुत सारे शब्द कम है इनके लिए। बहुत से आजकल हम लोग, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी मधुबाला जी को रियल लाइफ में देखने के लिए, बट आई थिंक अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो यू कांट मिस मधुबाला जी, शी हैड टू बी हियर। तो आजकल के लोग, आजकल की जेनरेशन को यही मौका है मधुबाला जी के साथ सेल्फी खिंचवाने का या उनके साथ पोज करने का। फिल्म अनारकली की थीम को लिया गया है जी, मुगले आजम जब वो अनारकली जिसमें बनी थी, लेकिन वो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जो मोहे पनघट पे उन्होंने आउटफिट पहना था ये एग्जैक्टली वही आउटफिट है। फैमिली मेंबर्स को आपने एक साथ रखा है? जी बिल्कुल, ये एक एरा के थे जो अगेन जैसे मैंने बोला, जिस तरह से बहुतों ने मधुबाला जी का काम नहीं देखा है, शायद राज कपूर जी के साथ बहुतों को मिलने का मौका नहीं था, तो हमने ये श्री 420 से पोज लिया है और ब्लैक एंड व्हाइट में लिया है। आप अपनी फोटोग्राफ्स खींचिए, मोनोक्रोम में खींचे या कलर में खींचिए, वी विल टेक यू बैक टू दैट एरा। फिल्म 420 का वो आवारा पागल राज कपूर हमें वो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट थीम में नजर आ रहे हैं, उनके जूते फटे हुए हैं, देखिए उसका पूरा ध्यान इस फैक्स फिगर में रखा गया है, और ये हाथ के बुने हुए स्वेटर है जो कि इन्हें पहनाया गया है, इनकी पोटली हो, इनकी टोपी हो, और लेकिन चेहरे पे हंसी है। वो आवारा पागल तो थी लेकिन उस फिल्म में वो हंसी वो हाँ, तो ये हंसी देखिए आप जब 420 देखेंगी तो यही उनका पूरा किरदार था कि वो कैसे आवारा पागल होने के बावजूद सर पे काली टोपी डाल के हमेशा मुस्कुराते रहते थे, दैट नॉटी इनोसेंट स्माइल इज स्टिल ऑन हिज फेस। रणवीर को लेकर के मुझे लगता है कि फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि अगेन वही है, वही बात है कि जो इनका फिगर है, जो स्टेप, जिस स्टेप को आपने लिया है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा चर्चा में था, और वो गाना लोगों का फेवरेट है। जी बिल्कुल, बदतमीज दिल का ये पोज है जो बहुत ही फेवरेट है, हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है इस फिगर का। अच्छी नजर से देख रहे हैं जो एक उनका जो कैरेक्टर है, और अगर आप देखें कि जिस तरह से अगर आप कोई भी एक डांसिंग पोज में हो तो कैसे उनके क्लोदिंग में कर्व्स होंगे या कैसे, वो सब चीजों का भी हमने ध्यान रखा गया है। इट्स नॉट लाइक हमने स्टिफ जैकेट बनाया है बस, तो किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए। मैरिलिन मोनरो अगेन, मतलब यहाँ पे आप मैरिलिन मोनरो के बिना एक हिस्टोरिकल एंटरटेनमेंट नहीं बना सकते हैं, तो मैरिलिन मोनरो अगेन वेरी फेमस, वेरी ग्लैमरस, बहुत लेडी गागा की बात, मुझे लगता है कि इनको लेकर के भी आपको बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और यहाँ पे इन्हीं के अवतार में ड्रेस होने के लिए हमने विग्स भी रखी हैं, सेम ब्लॉन्ड विग्स लगा के लोग फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, तो ये सारी चीजें लाइक आपको उस एरा में ही वापस लेके जाना चाहते हैं हम। यानी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ये सारे प्रॉपर्टी दी जा रही है जिसको कि आप यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको इस्तेमाल करने का एक मतलब ये देने का मकसद पूरे म्यूजियम में है कि ताकि लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा सकें इनके साथ में। इस पूरे घर में थीम दिया गया है कपिल शर्मा के घर का, एक बहुत बड़े कॉमेडियन, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जिनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, उस पूरे थीम का यहाँ पर ध्यान रखा गया। कपिल शर्मा अपने घर से ऐसे फेमस हुए कि उसको इस म्यूजियम में शामिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, कपिल शर्मा की बहुत फैन फॉलोइंग है उनका, आई थिंक बहुत ही पॉपुलर शो रहा है लास्ट 3-4 साल से, और हमने यहाँ पे ऐसा सेट क्रिएट करने की कोशिश करी कि आप हमेशा देखते होंगे कि सारे टॉप सेलिब्रिटीज आते हैं कपिल शर्मा के शो में, तो हमारे इस अट्रैक्शन में अगर हम दिखाएं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो तो हैं ही, पर रियल स्टार आप हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग उनके साथ स्टेज शेयर करें। ये कोना सबसे ज्यादा इस कोने ने मुझे अट्रैक्ट किया, साथ में अनिल कपूर है, वो अनिल कपूर जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि पता नहीं इनकी उम्र कब ढलेगी, ये दिन पर दिन यंग होते जा रहे हैं, और ये थीम दी गई है कौन बनेगा करोड़पति से। हालांकि मिस्टर अमिताभ बच्चन आपको हॉट सीट पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अनिल कपूर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप हॉट सीट पे बैठ सकते हैं, आप कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हैं, यहाँ पे एक टच स्क्रीन है जिसमें क्वेश्चंस हैं, आप अपनी लैंग्वेज चूज करिए इंग्लिश या हिंदी, और फिर आप खेलते जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति का पूरा सेट होता है, कंप्यूटर जी है ये, ये कंप्यूटर जी है, तो हम आपको मिनी करोड़पति तो बना ही देंगे। अनिल कपूर साहब ने खुद अपनी फिगर को लॉन्च किया था सिंगापुर में, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस फिगर, और ये सेम फिगर आपको सिंगापुर और दिल्ली दोनों में मिलेगा।
और दिल्ली के लिए ही ये स्पेसिफिकली बनाया गया, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा फैंस है अभी भी अनिल कपूर के। ये सेक्शन मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पूरा प्रोसेस आपने दिखाने की कोशिश की है। प्रोसेस दिखाया गया है कि अगर आप ये देखेंगे, ये पूरा बॉडी के अंदर का कोर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर वैक्स को मोल्ड करके फिगर बनाया जाता है। तो ये जिस भी पोज में फिगर होता है उस पोज में हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये स्टार्टिंग लेवल होता है, अगर कोई भी वैक्स फिगर बनता है तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप आप कह सकती है, वो स्टार्ट यहाँ से, यहाँ से फाउंडेशन होता है, यहाँ से फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने कुछ हिस्ट्री से, मैडम टुसोज की हिस्ट्री से कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स लगा के रखी है टू टेक पीपल बैक इनटू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और डिस्प्ले में आपने लगाया है वो आई थिंक वो मोदी वो जी वक्त का है फिगर मेकिंग प्रोसेस, हाँ, जब ये पूरा जब प्रोसेस हो रहा था और इम्पैक्ट मेजरमेंट करते हुए भी तस्वीरें हमने देखी है। आपको सारा इसमें प्रोसेस दिखाया गया, जैसे उनको साइज गया गया, जैसे उनके हाथों का छाप लिया जैसे आप देख रहे हैं, फेस मेजरमेंट्स, डिटेलिंग ऑफ हिज बियर्ड, सब कुछ है। और आप एंड में एक पिक्चर देखेंगे जहाँ पे मोदी जी अपनी फिगर के साथ में खड़े हैं, वो पिक्चर हमें नजर आई थी सेम से, ये पोज इनका फेवरेट है, इनका फेवरेट है। और इस पोज के साथ में लोगों को सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, बिल्कुल सेल्फी लेने का वो मिलेगा। यहाँ पे हमने एक बिहाइंड द सीन्स क्विज भी रखा है, बिकॉज बहुत ज्यादा आर्टिस्ट्री और बहुत ज्यादा कलाकारी इन्वॉल्व्ड है टू क्रिएट एवरी फिगर। यहाँ पे हमने बिहाइंड द सीन्स क्विज रखा है कि लोग जानना चाहें कि फिगर कैसे बनती है, क्या होता है एक फिगर बनाने में, तो एक छोटा सा ट्रिविया हमने रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप मोदी जी का फिगर मेकिंग प्रोसेस है, ये उनका हैंड का क्ले है, ये क्ले जो बनाया गया, उसके बाद वैक्स का मोल्ड जिसमें वैक्स डाल के मोल्ड किया जाता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मोल्ड और मेकअप एंड हेयर के बाद क्या लुक आ जाता है वो डिफाइन किया गया है। जी मतलब इन बारीकियों का ये मकसद मैं कह सकती हूँ कि लोग आए तो उनको एक जानकारी भी हो कि इतना आसान नहीं है, इसलिए तो एक वैक्स फिगर पे तकरीबन 6 महीने का वक्त लगता है, तकरीबन 6 महीने और तकरीबन 20 से 25 आर्टिस्ट, और हर एक मेजरमेंट यानी कि जिसका जिनका वैक्स फिगर आपने बनाने का प्लान किया है तो उनका भी एक बहुत ज्यादा टाइम जाता होगा इसमें। 3 से 4 घंटों का प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी मेजरमेंट्स करते हैं और फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। जो चीजें जो बारीकियां बता रही हैं साबिया, क्या लंदन में भी ये सारी चीजें हैं या फिर लंदन में सारी चीजें आपको मिलेंगी? मतलब यहाँ पर लोग अगर यहाँ पर आने के बाद पिक्चर क्लिक करवानी अगर हो तो आप इस तरीके से मैरीकॉम के साथ में आप आकर के यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो दी गई है उनको आप यूज कर सकते हैं। मैरीकॉम के बाद में अब जिस सेक्शन में आप आए हैं वहाँ पर मिल्खा सिंह है, सचिन है, कपिल देव है। हम स्टार्ट करते हैं मिल्खा सिंह से, ये बहुत ही औसम है और मुझे याद है कि इस पोज के साथ में मिल्खा सिंह रियल में आकर के उन्होंने फोटो क्लिक करवाई। मिल्खा सिंह जी ने अपनी फिगर लॉन्च करी थी इंडिया में, उन्होंने साथ में फोटोग्राफ खिंचवाई थी, द फ्लाइंग सिख ये इनका टाइटल है जिस तरह से सब इनको जानते हैं। और ये 1958 से पोज लिया गया है, बहुत ही डिटेलिंग है। अगर आप जाएंगे तो उनका एक एक वेन या एक एक मसल आप यहाँ पे देखिए, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखा गया कि किस तरह से इतने एक्शन में जब एक डायनेमिक फिगर बनाई जाती है तो आपके कौन से मसल्स और मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। साबिया इस सेक्शन की क्या खासियत है? ये एक हॉकी इंटरैक्टिव है, आप अपना स्किल ट्राई कर सकते हैं हॉकी पे, तो बस इस तरह से आपको बॉल को करना है एंड यू कैन हिट अ गोल। तो हर किसी को 5 ट्रायल्स मिलेंगे। इस पोज में लोग आकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तरफ खेल जगत के महानायक जी, खेल जगत के महानायक, बिल्कुल खेल जगत के महानायक। और वहाँ पे कपिल देव जी बॉलिंग कर रहे हैं और हम देखते हैं कि कैसे विजिटर्स ऑलरेडी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। सचिन और कपिल देव, इनका ये क्या थीम, आप लोगों ने क्या सोच करके ये थीम रखा है कि कपिल बैटिंग कर रहे हैं, कपिल बॉलिंग कर रहे हैं और सचिन बैटिंग कर रहे हैं? ये स्पेशल है, लाइक कपिल देव वॉज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ हिज टाइम, तो ऑब्वियसली उनका ये आइकॉनिक पोज हमने लिया है 83 आई थिंक जब वो वर्ल्ड कप जीते थे। और ये सचिन तेंदुलकर का विनिंग पोज है, वी हैव ऑलवेज सीन हिम लाइक दिस आफ्टर हिज मैच। तो इन लोगों की फैन फॉलोइंग का कोई काउंट नहीं है, हम लोगों को वही एक इनके रियल सुपरस्टार की फीलिंग देना चाहते हैं कि किस तरह से इनके विनिंग और हैप्पी पोजेज हैं जिसका मोमेंट के लिए हम शायद पूरा मैच देखते हैं या वेट करते हैं। तो यू नो आई मीन देयर इज नो काउंट। तो मुझे लगता है कि लोग जब अब दिल्ली आएंगे तो अट्रैक्शन का केंद्र ये मैडम तुसौद का ये म्यूजियम भी होगा। बहुत ज्यादा हमारा ये पूरा फोकस है कि दिल्ली को भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए,
दिल्ली इन इटसेल्फ में जब लोग आए उनके पास और चीजें हो करने के लिए, और यहाँ पे एक मैडम टुसॉड्स के अंदर हमने पूरी इंडिया और इंटरनेशनल पॉपुलर स्टार्स को एक जगह पर लाने की कोशिश करी है ताकि सबको उस दो घंटे और तीन घंटे के अंदर हम एक बहुत ही ग्लोबल एक्सपीरियंस दें। आप यहाँ पर आइए और फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैक स्पीकर से उनको छूने की पूरी आजादी आपको दी जा रही है। कोई भी आपको यहाँ पर नहीं रुकेगा, आपका मन क्रिकेट खेलने का हो, आपका मन हॉकी खेलने का हो, सारी चीजें हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इनको हैंडल किया गया है। और खास करके अगर मैं मिल्खा सिंह के इस वैक्स फिगर की बात करूं तो सचमुच आप इस वैक्स फिगर को देख करके एक बार जरूर रुक जाएंगे और इन बारीकियों को देखने के बाद में जरूर सोचेंगे कि कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए मैडम तुसाद के इस म्यूजियम को बनाया गया होगा, जो दिल्ली के लोगों के लिए और खास करके जो लोग बाहर से अगर आ रहे हैं तो अब उनके पास दिल्ली घूमने का एक रीजन ये भी होगा। कैमरा पर्सन निहाल के साथ सांजले सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।